तो आज सभी के सामने हम एक बहुत ही बेहतरीन नस्ल लेकर आए हैं, जिसे मुरादाबादी संबल या कलचोचे बोला जाता है। ये देखिए, ये हमारे एक दोस्त हैं, जानने वाले उन्हीं के यहाँ है, तो वही आए हैं शौक कराने। सोचे कि दोस्तों को शौक करा देते हैं। चलिए भैया, बताइए आपका ये कबूतर कितने साल पुराना है भैया? ये कबूतर काफ़ी पुराना है, इसकी उम्र अभी फ़िलहाल 12 साल हो चुकी है। और उड़ान कितनी है इसमें? इसकी उड़ान तो शाम दोपहर के 3-3 बजे तक ये उड़ा हुआ कबूतर है। वो गर्मी के 42-43 डिग्री टेम्परेचर पे ये उड़ चुका है ये कबूतर। इसका पर दिखाइए भैया, पर का शौक तो अभी इसका काटा हुआ है, ब्रीडिंग में है ना? हाँ, ब्रीडिंग में। देखिए इतने बड़े चौले पल्ले का कबूतर है। देखिए देख ही रहा है भैया, इसका दूम दिखाइए भैया, बंद दूम का कबूतर है। देखिए काफ़ी बैलेंस कबूतर है, वाह। और ये इसके पंजे देखिए, गुलाबी पंजे का है। एक अच्छी कबूतर में क्या क्या पहचान होते हैं भैया, थोड़ा कुछ न्यू कमर्स के बताने के चाहेंगे आप? अच्छी कबूतर की पहचान होती है, वो कबूतर को देखते ही पता चल जाता है। वो कबूतर को तो पहचान करने का तो सबसे बड़ा आसान तरीका है कि उसको आप ज़मीन पर रखिएगा, उसका खड़ान से ही पता चल जाता है कबूतर क्या चीज़ है। वो तो है, मैं अभी आपको देख के भी दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। इसका आँख एक और शौक करेगा भैया, वाइट आइज का कबूतर है। देखिए काफ़ी पुराना हो चुका भैया। हाँ, एक कबूतर देखिए, नथुने कितने फूल चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसे मद्रासी मत समझिएगा दोस्तों, ये प्योर गिरिवाज कबूतर है, देसी हाई फ्लाइट जिसे बोला जाता है, वो है। बहुत ही पुराना नस्ल है मेरे। पुराने होने से दोस्तों कबूतर के नाक के नथुने जो होते हैं वो फूल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया कबूतर है, उसका खड़ान भी देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा क्या कबूतर है। ये देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा क्या कबूतर है। ये देखिए दोस्तों, इसका खड़ान। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें।